हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स बहुत ही इजी और डिटेल्ड वे में डिस्कस किया था अलोंग विथ माय सेल्फ डिजाइंड एंड मोस्ट इजीएस्ट डायग्राम्स। और बहुत सारे बच्चों को वो वाला लेक्चर जो है बहुत ज्यादा पसंद आया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स देखो, उसके बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स वाला लेक्चर देखो, तो ही आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स से। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसी तरीके से हर एक यूनिट बहुत इनडेप्थ डिटेल में पढ़ना है अलॉन्ग विथ डीपीपी एंड अदर प्रैक्टिस टेस्ट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर शौर्य 1.0 बैच, जिसके अंदर पूरे 13 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स होगा और सिर्फ 999 रुपीस के अंदर होगा, और इसके साथ साथ आपको रिफंड गारंटी भी दी जाएगी। तो 7 से 10 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो उसी दिन आपको रिफंड दिया जाएगा। ये दो कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स यू कैन ऑलवेज आस्क। और इससे रिलेटेड कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है ये भी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रो कैरियर्स के अंदर हमने ये बात किया था कि देयर इज ओनली अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज विच विल ट्रांसक्राइब एमआरएनए आरआरएनए एज वेल एज टीआरएनए जीन्स। तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा प्रो कैरियर्स के अंदर जो सबको ट्रांसक्राइब करेगा, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो। बट इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स देयर आर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस, नेमली आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूकेरियोट्स के अंदर आपको आपके पास 3 आरएनए पॉलीमरेजेस हो गए, इसके साथ साथ बहुत सारे आपके पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने देखा था कि सिग्मा फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर सिग्मा फैक्टर नहीं होता है, यूकैरियोट्स के अंदर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो कुछ टेबल दे रखा है इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। इस यही टेबल से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे, कम से कम 6 से 7 बार। तो आपको ये देखना है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसका लोकेशन होगा न्यूक्लियोलस के अंदर, ये ट्रांसक्राइब करेगा 5.8s आरआरएनए, 18s आरआरएनए और 28s आरआरएनए। अगर हम ये आरएनए पॉलीमरेज 1 को अल्फा अमाइनाइटिन टॉक्सिन के साथ अगर ट्रीट कर दे, ये एक टॉक्सिन है, ठीक है, इसके साथ अगर इसको ट्रीट करे तो आरएनए पॉलीमरेज 1 पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 इज इनसेंसिटिव टू अल्फा अमाइनाइटिन टॉक्सिन। आरएनए पॉलीमरेज 2 की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन है न्यूक्लियस के अंदर, आपको ये पता होगा न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर आपका होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हो गए, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो रोल है दैट इज टू ट्रांसक्राइब ऑल प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जैसे कि आपका एमआरएनए हो गया, एसआरएनए हो गया, मोस्ट ऑफ एसएनआरएनएस हो गया, लाइन हो गया एक्सेट्रा। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 को अल्फा अमाइनाइटिन टॉक्सिन के साथ ट्रीट करें तो ये बिगड़ जाएगा, ये पूरा खराब हो जाएगा, उसका फंक्शन टोटली लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है टू दिस पर्टिकुलर टॉक्सिन, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो प्रोटीन है उस पर असर पड़ेगा और ये आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये भी आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है आपके टीआरएनए
जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसके साथ साथ 5SRRNA का भी करता है, SNRNAs का भी करेगा, U6SNRNA जो कि आपको स्प्लाइसिंग में देखने को मिलता है उसका भी करेगा, H1RNA, MRP RNA एंड साइन, तो ये सब का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, ये एज इट इज आपको याद रखना है कौन सा RNA पॉलीमरेज क्या ट्रांसक्राइब करेगा। RNA पॉलीमरेज 3 को अगर मैं ये टॉक्सिन के साथ ट्रीट करूं तो थोड़ा सा उस पर असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा असर पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। फिर RNA पॉलीमरेज 4 एंड RNA पॉलीमरेज 5 आर ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस बट ओनली इन प्लांट्स एंड नॉट इन एनिमल्स, ये ट्रांसक्राइब करेंगे नॉन कोडिंग RNAs को एंड siRNA को। RNA पॉलीमरेज 4 एंड RNA पॉलीमरेज 5 आर ऑल्सो इनसेंसिटिव टू टॉक्सिन, तो अगर ये टॉक्सिन को मैं या फिर ये RNA पॉलीमरेज को मैं अगर ये टॉक्सिन के साथ ट्रीट करवाऊं तो कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है इनके ऊपर। ठीक है, सो दीज आर इनसेंसिटिव टू अल्फा अमाइनेटिन टॉक्सिन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं RNA पॉलीमरेज 1 सिर्फ ऐसा है कि जो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है, बाकी के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है, RNA पॉलीमरेज 1 जो है इट इज डेडिकेटेड टू ट्रांसक्राइब ऑल RNA जीन्स एक्सेप्ट 5SRRNA जीन। 5SRRNA जीन जो है ये RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करेगा, इसके अलावा जितने भी RNA जीन्स है वो कौन ट्रांसक्राइब करेगा? RNA पॉलीमरेज 1। तो हमको ये पता है कि जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम का 2/3 हिस्सा इज कंपोज्ड ऑफ RNA। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं। और राइबोसोम्स किससे बनेगा? RNA और प्रोटीन से। किससे बनेगा ये? RNA और प्रोटीन से ये बनेगा। लेकिन RNA जो है ये आपका, इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है ये आपका हो रहा है किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, तो आपका RNA पॉलीमरेज 1 जो है इसका लोकेशन भी न्यूक्लियोलस के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी कुछ बात करेंगे RNA पॉलीमरेज 2 सबयूनिट्स एंड इट्स होमोलॉजी टू बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज सबयूनिट। तो ये सबयूनिट्स भी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखे थे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में अलोंग विद इट्स फंक्शन एंड जीन्स। अभी इसके अंदर RNA पॉलीमरेज 2 के अगर हम सबयूनिट्स देखें, एक है RPB1, ये होता है लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। ये होमोलॉजी दिखाता है 2β- सबयूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बीटा डैश और बीटा ये एक्ट कर रहे थे लाइक अ कैटालाइटिक सेंटर। तो यूकैरियोट्स के अंदर भी आपका जो RPB1 सबयूनिट होगा वो सेम टू सेम बीटा डैश की तरह फंक्शन दिखाएगा, वैसे ही RPB2 ये एक सबयूनिट है यूकैरियोट्स के अंदर इन RNA पॉलीमरेज 2। इसका भी होमोलॉजी मिलता है विथ बीटा सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज। फिर है RPB3 एंड RPB11, ये मिलते हैं विथ अल्फा सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज, तो इनका होमोलॉजी भी होता है विथ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज। RPB6 जो है ये होमोलॉजी दिखाते हैं टू बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज ओमेगा सबयूनिट। ठीक है, तो ये एज इट इज याद रखना है कि कौन सा यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज 2 का सबयूनिट कौन से बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज सबयूनिट के साथ होमोलॉजी दिखाता है, ये एज इट इज याद रखना है आपको। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अभी बहुत ही शानदार डायग्राम्स जो है मैंने आपके लिए हैंडमेड बनाए हुए है इन पावर पॉइंट, तो बहुत टाइम लगता है ये सब चीजों को, मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल को, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, इससे होगा ये कि ज्यादा व्यूज भी मिलेगी और मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, क्योंकि ये देखने को मिला कि मेरे लेक्चर जो है सबसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी जो व्यूज है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना जो यूट्यूब चैनल है वो आप पहुंचाओ। ठीक है,
तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर से। तो भी ये जो है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पहली बात तो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अगर हम प्रोमोटर की भी बात करें तो कोई एलिमेंट दे रखा है, कोई एलिमेंट नहीं दिया है, इसका पोजीशन अलग अलग दे रखा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यही कंटेंट आप रेफर करो, बहुत ज्यादा वेल रिसर्च कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें हम बात करते हैं बैक्टीरियल यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर के बारे में, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको। पहले तो एक आईएनआर साइट है या रीजन है जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जिसको हम प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। आईएनआर रीजन जो है इट इज बिटवीन -2 and -4, ठीक है। माइनस प्लस वन के अगर लेफ्ट साइड पे गए तो माइनस वन आएगा, समवेयर अराउंड हियर विल बी -1। फिर अगर प्लस वन ऊपर है या फिर माइनस वन के बाजू में प्लस वन है, फिर उसके बाजू में क्या होगा, +2, ठीक है, +3, इस तरीके से आपका +4 आ जाएगा। तो -2 और +4 के बीच में आयनर रीजन होगा। DPE दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट विल बी लोकेटेड बिटवीन +28 and +32। BRE डाउनस्ट्रीम विल बी लोकेटेड बिटवीन -17 and -23। टाटा बॉक्स विल बी लोकेटेड बिटवीन -26 and -30 या फिर -26 and -31, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। फिर BRE अपस्ट्रीम इज प्रेजेंट बिटवीन -32 and -37। फिर आपका आता है CEET बॉक्स, वो होगा अराउंड -80 पे, और GC बॉक्स होगा अराउंड -95 पे, ठीक है। ये एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रोमोटर के अंदर। अगर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अब BRE, तो अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानूं टाटा बॉक्स को, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया था, अगर कोई हम रेफरेंस पॉइंट माने, मान के चलो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है टाटा बॉक्स, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर हम गए तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसीलिए इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, BREU। और अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है उसके अगर हम राइट साइड पे बात करें तो उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। तो टाटा बॉक्स के राइट साइड पे कौन है, BRED फॉर डाउनस्ट्रीम। वैसे ही अगर ये प्रोमोटर है तो प्रोमोटर के राइट मोस्ट साइड पे कौन है, DPE, क्योंकि राइट साइड मतलब हम डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, लेफ्ट साइड मतलब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर्स विल वेरी और डिफर इन नंबर, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। नो एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर्स। अभी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर आपको BRE देखने को मिल रहा है, INR देखने को मिल रहा है, DPE देखने को मिल रहा है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए बैक्टीरियल यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 के अंदर। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके पास INR और टाटा बॉक्स हो और BRE एबसेंट हो जाए, या फिर INR टाटा बॉक्स हो DPE एबसेंट हो जाए, CEET बॉक्स देखने को ना मिले, GC बॉक्स देखने को ना मिले, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको समझना है इसके अंदर कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा मौजूद नहीं होंगे, कोई एलिमेंट्स का जो नंबर है वो अलग अलग हो सकता है, उसका लोकेशन अलग अलग भी हो सकता है, इसीलिए आपको अलग अलग बुक्स में इनके जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये अलग अलग दिखाए हुए हैं, ठीक है, और इनका ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कि सारे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर्स के अंदर कॉमन हो गए, ऐसा नहीं है। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट से, GC बॉक्स एंड CEET बॉक्स आर ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं ये ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होगी। फिर आएगा दीज आर सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस विच सर्व बाइंडिंग साइट फॉर रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। विच
जीन्स कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ये ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होगा, ये कोई भी ओरिएंटेशन में आप उसको लाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज दीज आर ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट। सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सिक्वेंसेस हो गए, इसके ऊपर आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करेगी, ठीक है, जिससे आपका जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल किया जाएगा। जीसी बॉक्स एंड सी डबल ईटी बॉक्स जो है ये मोस्टली अपस्ट्रीम ऑफ टाटा बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा बॉक्स, अगर मैं ये इसको रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो इसके लेफ्ट साइड पे कौन देखने को मिल रहा है, जीसी बॉक्स एंड सी डबल ईटी बॉक्स। तो अगर रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि भाई इस कंडीशन में तो ये अपस्ट्रीम पे देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन क्या ये हमेशा होगा, तो ऐसा नहीं है, हो सकता ये डाउनस्ट्रीम भी देखने को मिले, टाटा बॉक्स के राइट साइड भी देखने को मिले। सी डबल ई टी बॉक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय NF1 एंड NFY एक्टिवेटर, वेयर एज जीसी बॉक्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय SP1 एक्टिवेटर। ये याद रखना आपको, सिंस सी डबल ई टी बॉक्स एंड जीसी बॉक्स आर सर्विंग एज रेगुलेटरी सिक्वेंसेस और इनके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करेंगे, जैसे कि आपका NF1 और NFY एक्टिवेटर प्रोटीन जो है ये सी डबल ई टी बॉक्स पे बाइंड करेगा एंड देयर बाय इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरली SP1 एक्टिवेटर प्रोटीन जो है ये जीसी बॉक्स वाले रेगुलेटरी सिक्वेंस पे बाइंड करेगा एंड इट विल इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन। फ्यू जीन्स हैव DPE दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, इट हैज वेरिएबल सिक्वेंस, मतलब इसका जो सिक्वेंस है ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग ये वेरी कर सकता है, तो ऐसा इसका फिक्स सिक्वेंस नहीं है DPE का। एंड ऑल्सो बाइंड टू TF2D, तो हम आगे बात करेंगे कि TF2D क्या होता है, तो उसके साथ भी ये बाइंड करता है। Whereas BRE element is TF2D recognition element, ठीक है, तो BRE का जो फुल फॉर्म है ये ऐसा है, ऐसा आया है TF2B recognition element, तो BRE, तो TF2D जो है देखने को मिलता है DPE पे बाइंड करता है और आपका BRE एलिमेंट जो है ये इस पे कौन बाइंड करेगा, TF2B, ठीक है। डाटा बॉक्स का जो सीक्वेंस है वो है TATA, एक्स मतलब आइदर एडिनिन और थाइमिन, ठीक है, तो एक्स के जगह पे एडिनिन और थाइमिन आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे कंपलसरी TATA तो आना ही चाहिए 5' पे, फिर XAX है तो यहाँ पे एडिनिन और थाइमिन में से कोई भी होगा, उसके बाद में कंपलसरी एडिनिन, उसके बाद में एक्स दिया है तो एडिनिन और थाइमिन में से कोई भी होगा, ये सीक्वेंस होता है टाटा बॉक्स का इन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर। वैसे ही INR रीजन जो है उसका सीक्वेंस है 2' कंपलसरी साइटोसिन एडिनिन, उसके बाद अगेन 2' पिरिमिडिन, आपको पता है या तो साइटोसिन होगा या तो थाइमिन होगा, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, फिर उसके बाद में CA कंपलसरी आएगा, उसके बाद में अगेन 2' मतलब साइटोसिन और थाइमिन में से कोई भी आ सकता है, तो अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन से जो भी सीक्वेंस बनता है वो पॉसिबल है किसका, INR रीजन का, ठीक है। इसमें दिया है फिर बाद में कि कोई जीन्स ऐसे है कि जिसके पास ये दोनों में से कोई एक कंपोनेंट हो सकता है, मतलब आइदर टाटा बॉक्स हो सकता है या INR वाला कंपोनेंट हो सकता है, या फिर ऐसे भी कुछ जीन्स हो सकते हैं कि जिसके अंदर ये ना तो टाटा बॉक्स होगा ना ही INR रीजन होगा। ऐसे जीन्स जिसके अंदर टाटा बॉक्स भी नहीं है INR रीजन भी नहीं है उसको हम बोलते हैं नल जीन्स, ठीक है, क्लियर है तक? अभी हम आगे बात करते हैं। अभी और दो टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि कोर प्रोमोटर क्या है, प्रॉक्सिमल प्रोमोटर क्या है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स तो हमने देख लिए, कोर प्रोमोटर मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन, कोर प्रोमोटर मतलब एलिमेंट्स, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे विच विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इनिशिएट accurate
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि क्या सारे जीन्स के अंदर ए टू जेड एलिमेंट्स होने चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ जीन। हो सकता है टाटा बॉक्स भी एबसेंट हो जाए, हो सकता है आईएनआर भी एबसेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन कॉमनली हम बात करते हैं कि कोर प्रोमोटर मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू इनिशिएट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास सी डबल ई टी बॉक्स और जी सी बॉक्स बचता है, उसको हम प्रॉक्सिमल प्रोमोटर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम और राइट साइड अगर हम गए -95 के बाद हम और लेफ्ट साइड अगर गए तो एक रीजन आएगा बहुत दूर वाला -1000 पे, और ये इसको हम -1 किलो 20 भी बोल सकते हैं, 1 KB = 1020। तो सबसे दूर वाले रीजन को हम बोलेंगे डिजिटल एनहेंसर। वैसे ही राइट साइड में अगर हम जाए तो 30+32 के राइट साइड अगर हम जाए बहुत दूर एक और रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे डिजिटल एनहेंसर, ये +1 KB पे मौजूद होगा। और सबसे आखिर में ये इलाका तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन भाई प्रोमोटर से चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रुकना चाहिए। और हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा कि ऐसा रीजन कि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुकता है उसको हम टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं, तो इसके अंदर भी टर्मिनेटर रीजन होगा जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज अगर पहुंचा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की, और स्टार्टिंग विथ इनिशिएशन स्टेप। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, आपका सिग्मा फैक्टर बाइंड कर रहा था विथ योर कोर एंजाइम, फिर वो होलो एंजाइम बना रहा था आरएनए पॉलीमरेज, और फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट विच वेर योर कंसेंसस सीक्वेंस विद इन द प्रोमोटर डीएनए उस पे बाइंड कर रहा था, उसको ही हम क्लोज कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो सिग्मा फैक्टर एबसेंट है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 को कैसे पता चलेगा कि प्रोमोटर कहां पे है और बाकी के सिक्वेंसेस कहां पे, सिग्मा फैक्टर तो एबसेंट है। तो यहां पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये मदद करते हैं उनकी, किसकी मदद करेंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज 2 की मदद करेंगे कि आपको कहां पे बाइंड करना है, आपका बाइंडिंग वाला इलाका कहां पे है, तो वो बताया जाएगा बाय जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बाइंडिंग ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स GTFs अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज 2 एट टाटा एलिमेंट व्हिच इज लोकेटेड एट 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो +1K 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, तो +1 को अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस रीजन मानू और ये बोल रहा है इसके कंपैरिजन में 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा, तो इसके 30 बेसेस लेफ्ट साइड कौन प्रेजेंट है, टाटा बॉक्स, ठीक है। तो +1K अगर हम 30 लेफ्ट साइड गए तो ये क्या हो जाएगा, -30 वाला इलाका हो जाएगा टाटा एलिमेंट का। सो द बाइंडिंग ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज 2 एट टाटा एलिमेंट व्हिच इज लोकेटेड 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और +1 साइट इज रेफर्ड टू एज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आपको प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, बहुत ही शानदार डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, सारे कंसेप्ट जो है ए टू जेड आपको समझ में आ जाएंगे इन वेरी कंसाइज वे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो हमने तो ऊपर वाला देख लिया, तो मैं ये जो है ये ऊपर वीडियो इसको लेके जाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी TF2D नाम का एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मल्टी सब यूनिट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं इसके पास, ये रिकॉग्नाइज करता है टाटा एलिमेंट पे, ये फर्स्ट स्टेप है, टाटा एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज बाय TF2D जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। TF2D के अंदर एक कॉम्पोनेंट है विच इज नोन एज TBP which stands for Tata binding protein, नाम में सब कुछ है, ये क्या करेगा, टाटा एलिमेंट का जो डीएनए सीक्वेंस है उस पे बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा वो। TBP is a component of TF2D which binds with Tata DNA sequence, ठीक है।
टीबीपी जो है ये सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ये मेनली सिर्फ और सिर्फ टाटा डीएनए सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा, ये कोई और सीक्वेंस पे बाइंड नहीं कर सकता। और हमको यही चाहिए था कि टाटा को भाई कोई रिकॉग्नाइज करे, इसके पास सिग्मा फैक्टर तो था नहीं। तो नेचर देखो कितना कमाल का है, TF2D एक ऐसा मल्टी सब यूनिट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कि जिसका एक कंपोनेंट है टीबीपी, ऊपर से टीबीपी सीक्वेंस स्पेसिफिक है, वो बराबर टाटा डीएनए सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा, तो आपका TF2D अलॉन्ग विद टीबीपी वहां पे चिपक जाएगा। कहां पे? टाटा डीएनए सीक्वेंस पे। वो चिपकने के बाद आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, वो तोड़ देगा टाटा सीक्वेंस को, डिस्टॉर्ट करेगा, और डिस्टॉर्ट करने के बाद आपके अगले वाले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा टाटा एलिमेंट के पास। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि TF2D जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसके पास TAFs भी है। TAF स्टैंड फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है, जो कि हेल्प करता है टीबीपी को टू बाइंड टू टाटा डीएनए सीक्वेंस। देखने को मिला है कि ये जो TAF है ये स्ट्रक्चरल होमोलॉजी दिखाते हैं टू हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है डीएनए पे तो बाइंड करेगी, तो अगर कोई हिस्टोन की तरह कोई प्रोटीन है कि जो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी दिखा रहा है, जैसे कि आपका TAF हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो फंक्शन है वो भी लगभग सेम होगा हिस्टोन की तरह। तो TAF विल हेल्प टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टू बाइंड टू डीएनए because TAF also shows structural homology to histone proteins and thus TAFs can bind to DNA, ठीक है। तो ये देखो आपका TF2D general transcription factor has bound with your Tata DNA sequence and the component which is binding to Tata DNA sequence of TF2D is TBP, और TBP का जो हेल्प है वो कौन कर रहा है टू बाइंड विद टाटा डीएनए सीक्वेंस, इट इज TAF, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है। तो आपका पहला जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TF2D जो कि बाइंड किया हुआ है। फिर इन विट्रो देखने को मिला है कि ये ऑल्डर में प्रोमोटर पे प्रोटीन असेंबल करते हैं। TF2D पहले आएगा, उसके बाद में A आएगा, उसके बाद में TF2B आएगा, उसके बाद में TF2F और RNA पॉलीमरेज एक साथ आएगा, इसके बाद TF2E और TF2H जो है ये RNA पॉलीमरेज 2 के अपस्ट्रीम बाइंड करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे बाइंड करेंगे, ठीक है। TF2D का तो हमने देख लिया कि ये सबसे पहले बाइंड करता है टाटा डीएनए सीक्वेंस पे विच इज प्रेजेंट एट द प्रोमोटर। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एक सब यूनिट का होता है, TF2A दो सब यूनिट के होते हैं, TF2B एक सब यूनिट का होता है, TF2E दो सब यूनिट्स के होते हैं, TF2F तीन सब यूनिट का होता है, TF2F जो है ये रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज को, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। TF2H नौ सब यूनिट्स का होता है और TAF जो है ये 11 सब यूनिट का होगा, ठीक है। तो ये सारे सब यूनिट जो है आप याद कर सकते हो। अभी TF2D के बाद में कौन आएगा? TF2A, TF2A आएगा। ये देखो TF2D तो पहले से था, ये एक नंबर पे बाइंड हुआ था, दूसरे नंबर पे कौन आया? TF2A। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? TF2B, ठीक है। तो एक नंबर पे था TF2D, दो नंबर पे था TF2A, तीन नंबर पे आया TF2B। हमने बात की थी कि BRE को हम TF2B रिस्पॉन्स एलिमेंट भी हम बोल रहे थे, रिकॉग्निशन एलिमेंट, सॉरी TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। तो आपका TF2B जो है ये BRE अपस्ट्रीम एंड BRE डाउनस्ट्रीम पे बाइंड करेगा, ठीक है। फिर अभी चौथे नंबर पे कौन आएगा? TF2F। ये देखो TF2F आ गया, पहले नंबर पे था TF2D आया था, फिर उसके बाद में TF2A आया था, फिर उसके बाद में TF2B जो है ये BRE साइट्स पे बाइंड कर रहा है मेनली। चौथे नंबर पे आया TF2F और ये लेके आया किसको? RNA पॉलीमरेज को, ठीक है। फिर पहले नंबर पे था TF2D, दूसरे नंबर पे आया था TF2A, तीसरे नंबर पे आया था TF2B,
फिर चौथे नंबर पे आया था TF2F, TF2F लेके आया था RNA polymerase 2 को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के पास, जो कि टाटा एलिमेंट पे बन रहा है। फिर सबसे लास्ट में है TF2E और TF2H, ये ऑर्डर है प्रोटीन्स का टू असेंबल एट प्रोमोटर। और आप ये भी देख सकते हो कि E और H जो है ये RNA polymerase की लेफ्ट साइड पे बाइंड कर रहे हैं, ये अपस्ट्रीम बाइंड करेंगे RNA polymerase 2 के, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ही सोच समझ के मैंने बनाई हुई है, इस तरीके का आपको डायग्राम पूरे इंटायर इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया भाई ऑर्डर, बहुत ही इजी था ये। सबसे पहले TF2D आया, फिर उसके बाद में TF2A, फिर उसके बाद में TF2B, उसके बाद में TF2F, वो RNA polymerase 2 को लेके आया एट प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्मिंग एट टाटा एलिमेंट। फिर TF2E आया, TF2H आया, ये दोनों RNA polymerase 2 के लेफ्ट साइड पे बाइंड करेगी या फिर अपस्ट्रीम बाइंड करेगी, ठीक है। इस तरीके से सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं एट प्रोमोटर, और इनको हम बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अभी लास्ट स्टेप जो है ये चलेगी इनिशिएशन, विच इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी टर्मिनल टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था आपका लार्ज सब यूनिट कौन होता है भाई, RPB1, दिस इज योर लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, जो कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी दिखाता है टू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज बीटा डैश सब यूनिट, ठीक है। तो इनिशिएशन स्टेप की लास्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी टर्मिनल टेल डोमेन ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 बाय काइनेज एंजाइम। काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेट करना। तो काइनेज क्या करेगा, सीरिन नंबर 5 पे फॉस्फोराइलेट करेगा। अभी ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोटीन है तो उसके पास एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा। जैसे कि मान के चलो मेरा एन टर्मिनल लगभग अगर यहाँ पे हुआ तो सी टर्मिनल मेरा पीछे की साइड होगा यहाँ पे। फिर देखने को मिला है कि ये जो लार्ज सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, उसके सी टर्मिनल टेल पे आपको 7 रिपीट देखने को मिलेगी अमीनो एसिड्स की, और यही सीक्वेंस में वो रटना है। टायरोसिन 1 नंबर पे देखने को मिलेगा, सीरीन 2 नंबर पे देखने को मिलेगा, प्रोलिन अमीनो एसिड 3 नंबर पे देखने को मिलेगा, 4th नंबर पे थ्रियोनिन देखने को मिलेगा, 5th नंबर पे सीरीन देखने को मिलेगा, 6th नंबर पे प्रोलिन देखने को मिलेगा और 7th नंबर पे सीरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 7 अमीनो एसिड्स विच विल बी प्रेजेंट एट योर सी टर्मिनल टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। फिर एक काइनेज आता है, और काइनेज क्या करता है, एक काइनेज आएगा और काइनेज ये सीरीन नंबर 5 पे या फिर जो 5th नंबर का सीरीन है उस पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा या फिर उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे ही ये हुआ आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, वो सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इस तरीके से डिसोशिएट कर देगा हिला के उनको, और आरएनए पॉलीमरेज आपका इनिशिएशन स्टेप छोड़ के अभी इलोंगेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। आपके जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से वो सारे शेड ऑफ हो जाएंगे, आपका आरएनए पॉलीमरेज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को छोड़ देगा और वो इलोंगेशन स्टेप की तरफ जाएगा। यही प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस। तो प्रोमोटर क्लियरेंस करने के लिए सी टर्मिनल टेल डोमेन पे जो आपका 5th सीरीन रेसिड्यू होगा उस पे फॉस्फोराइलेशन करवाना जरूरी है, तभी आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को छोड़ेगा, जिसको हम प्रोमोटर क्लियरेंस बोलेंगे। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो एसोसिएटेड थे उनको शेड ऑफ कर देगा, वो निकल जाएंगे GTFs, और आरएनए पॉलीमरेज आपका जाएगा इलोंगेशन स्टेप की तरफ, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर इनिशिएशन इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स, ठीक है।
और फिर जो फॉस्फेट्स है विच आर अटैच्ड बाय दिस काइनेज, दिस फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड बाय फॉस्फेटेज। तो ये जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है यहाँ पे सीरे नंबर 5 पे, तो फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम होगा, ये उसको फॉस्फेट को निकाल देगा, फॉस्फेट रिमूव, फॉस्फेटेज एंजाइम रिमूव फॉस्फेट एडेड बाय काइनेज। ठीक है, तो अगली साइकिल वापस से चलते रहेगी। तो अभी जो हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन यूकेरियोट्स, वो इन विट्रो देखा था, मतलब लैब के अंदर कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने स्टडी किया कि भाई देखना है मुझे कि क्या क्या ऑर्डर में आपके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन से ऑर्डर में असेंबल होते हैं, तो वो तो हमने इन विट्रो स्टडीज में ये समझा। अगर हम इन विवो की बात करें तो इन विवो में जो देखने को मिलेगा वो अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करवाने के लिए आपको एडिशनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका हो गया मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, ये 20 सब यूनिट्स का होता है। एक साइड पे ये सीटीडी टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ में ये बाइंड करता है, और दूसरे एंड पे ये इंटरैक्ट करेगा विद डीएनए बाउंड एक्टिवेटर्स। ठीक है, यहां पे देखो कितना शानदार डायग्राम है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ बिगिनिंग से लेके एंड तक लेक्चर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मीडिएटर सब यूनिट जो होता है वो 20 सब यूनिट का होता है, कितने 20 सब यूनिट्स। मीडिएटर जो है ये एसोसिएटेड होता है विद सीटीडी टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट इन वन सरफेस। तो अगर यहां पे हम एन टर्मिनल दिखाए आरएनए पॉलीमरेज 2 का, तो सी टर्मिनस यहां पे होगा, और सी टर्मिनल टेल अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो आपका मीडिएटर जो है वो एसोसिएट होगा विद सीटीडी टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। मीडिएटर एसोसिएटेड विथ सी टी डी टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एट वन एंड, और इसका दूसरा एंड किसके साथ बाइंड कर रहा है, विथ योर एक्टिवेटर विच आर बाउंड टू डीएनए, दिस आर योर एक्टिवेटर प्रोटीन्स जो कि बाउंड है, विच आर बाउंड टू डीएनए। तो मीडिएटर देखो मीडिएटर एसोसिएटेड विथ डीएनए बाउंड, डीएनए बाउंड एक्टिवेटर एट अदर एंड। तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का जो एक एंड है वो सीटीडी के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड जो है इट इज इंटरैक्टिंग विद डीएनए बाउंड एक्टिवेटर, तो उन दोनों के बीच में ये सैंडविच हो चुका है। फिर दिया है मीडिएटर कॉम्प्लेक्स अलाउ एक्टिवेटर प्रोटीन्स टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अभी इसके अंदर
आप ये देख सकते हो कि अगर इसके 20 सब यूनिट है, मान के चलो ये सब यूनिट नंबर 1 है मीडिएटर का, ये सब यूनिट नंबर 2 है, ये सब यूनिट नंबर 3 है, इस तरीके से 20 सब यूनिट होगी मीडिएटर कॉम्प्लेक्स के। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इनके जो सब यूनिट्स है ये बाइंड कर रहे हैं विच विथ योर एक्टिवेटर, और ये मीडिएटर कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ये एक रास्ता बन रहा है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन योर एक्टिवेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, तभी आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स एक जरिया बन रहा है एंड इट इज अलाउिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिवेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो। अभी यूकेरियोट्स के अंदर बहुत बड़ा डीएनए होता है, बहुत कोई जीन है तो वो बहुत दूर होगी एक जीन और दूसरे इलाके में। तो अगर ये बहुत बड़ा लीनियर डीएनए होता और इसको अगर हम फोल्ड अनफोल्ड करते, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट अगर यहाँ पे प्लस वन रीजन है और हमको पता है इसके अगर हम लेफ्ट साइड पे गए टाटा बॉक्स -30 पे बनेगा और हम वापस से इस तरीके के जा रहे हैं तो आपका मान के चलो ये जो रीजन होगा ये -80 होगा रैंडमली अगर मैं लिखू तो। फिर ऐसे करते करते आपका जो सबसे लास्ट वाला रीजन होगा वो समवेयर अराउंड हियर मान के चलो ये 800 पे होगा -800, ठीक है। कंसिडर करो ये जो कोडिंग रीजन है ये कोई जीन है हेयर कलर के लिए, हेयर कलर जीन, और एक जीन है जो कि अराउंड दिस -800 वाले रीजन पे प्रेजेंट है जिसको आप अगर कोई भी एक एग्जांपल लो जैसे कि हाइट के लिए जीन है, हाइट जीन, ठीक है। अगर ये बेंड नहीं होता डीएनए तो वो अगर मैं अनफोल्ड कर दूं तो आपका हाइट वाला जीन तो बहुत दूर चले गया, हाइट वाला जीन आपका बहुत दूर चले गया। अगर मुझे एक ही पोजीशन पे मल्टीपल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन अगर करवाना हो तो मैं ये डीएनए को फोल्ड कर सकता हूं। डीएनए को अगर मैं बेंड करूं और उसको अगर फोल्ड कर दूं इस तरीके से तो होगा क्या, समवेयर अराउंड हियर देयर विल बी मीडिएटर सब यूनिट नंबर 4। अगर ये जीन है तो इसका भी एनहेंसर होगा, इसी तरीके से इसका भी एनहेंसर होगा और इसका भी क्या होगा, एक्टिवेटर होगा, एक्टिवेटर दूसरे कलर से लेते हैं, इसका भी सेम टू सेम कोई एक्टिवेटर होगा अलग। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो हम तो प्रिपेयर कर रहे थे हेयर कलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन हम एक ही जगह पे अलग अलग जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। कैसे, अपॉन डीएनए बेंडिंग आपका मीडिएटर सब यूनिट जो है अभी हाइट जीन के एक्टिवेटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और ये अभी क्या करेगा, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करेगा क्योंकि इसने मीडिएटर कॉम्प्लेक्स ने ये एक्टिवेटर और आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ में इंटरेक्शन करवाया या फिर ये दोनों अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड यूअर एक्टिवेटर ऑफ हाइट जीन, ये दोनों अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक ही जगह पे आपका हेयर कलर जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया और इसके साथ साथ हाइट के जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये जीन बहुत दूर थी हाइट वाली,
लेकिन एक प्रोटीन होता है डेट इज डीएनए बेंडिंग प्रोटीन, जो कि यहाँ पे लेबल किया हुआ है येलो कलर से। इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बेसेस तक जो हिस्सा बहुत दूर है, माइनस थाउजेंड पे अगर कोई चीज होगी तो उतना बेस पेयर वाला डीएनए जो है ये पूरा ऐसे बेंड करेगा। बेंडिंग होने की वजह से जो दूर वाले जीन्स थे, जिसको हम डिजिटल जीन्स भी बोलते हैं, अभी अगर ये बहुत दूर थी तो इसको हम डिजिटल जीन बोल सकते हैं। तो डिजिटल जीन जो है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगी, और ये डिजिटल जीन का जो एक्टिवेटर है वो मीडिएटर सब यूनिट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और आपका मीडिएटर सब यूनिट तो ऑलरेडी आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ इंटरेक्ट कर ही रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 और ये एक्टिवेटर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है? मीडिएटर सब यूनिट, जिसकी वजह से आपका अभी हाइड जीन इसका भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत दूर था लेकिन ये पॉसिबल है विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसमें समझना था। तो जो एलिमेंट्स बहुत दूर होते हैं उसको हम नाम देते हैं डिजिटल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि कोई चीज पास होगी तो उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करेंगे मेनली। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 के सबसे नजदीक कौन है अभी यहाँ पे? हेयर कलर जीन, तो इसको मैं प्रॉक्सिमल जीन बोल सकता हूँ अभी के लिए। और अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे दूर कौन है? हाइट वाली जीन, तो फिर उसको हम डिजिटल जीन बोलेंगे। तो डिजिटल जीन एक्सप्रेशन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि जिसको हम बोलेंगे डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट DCE, ये हजार बेस पेयर दूर होते हैं लेकिन अपॉन डीएनए बेंडिंग ये नजदीक आ जाएगी। ठीक है, कौन होते हैं डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट? एनहेंसर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, ओके, या फिर ये एनहेंस करेगा ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ही प्रॉक्सिमल जीन के लिए PCE होगा, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स, तो इसके नजदीक वाले जो एनहेंसर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये जो पर्टिकुलर एनहेंसर है इसको मैं PCE बोल सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल जीन के पास वाले कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिजिटल जीन कम्स क्लोजर टू आरएनए पॉलीमरेज टू अपॉन डीएनए बेंडिंग। And mediator subunit allow communication between activator and RNA polymerase second to initiate transcription। ठीक है, तो एक ही जगह से आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगी अलग अलग जीन्स के। ओके, बहुत ही इजी है ये। कब तक चलेगा? जब तक भाई टर्मिनेटर रीजन ना आ जाए। टर्मिनेटर रीजन ऐसा रीजन होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज वहां पे पहुंचेगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो ये हमने समझ लिया मीडिएटर का काम, इट इज नथिंग बट टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिवेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन जीन विद योर आरएनए पॉलीमरेज 2। मीडिएटर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय रेगुलेटिंग CTD kinase इन TF2H।
तो TF2H का भी रोल इसके अंदर देखने को मिला है, इसका काइनेस एक्टिविटी ये रेगुलेट करेगा, तो ये एज इट इज आपको याद रखना है। फिर दिया है इफ इंडिविजुअल सब यूनिट्स ऑफ मीडिएटर कॉम्प्लेक्स इज डिलीटेड, मतलब अगर ये 20 सब यूनिट का है तो अगर मैं सब यूनिट नंबर 1 डिलीट कर दू, सब यूनिट नंबर 2 डिलीट कर दू, तो देखने को मिला है कि देयर विल बी लॉस ऑफ स्मॉल सबसेट ऑफ जीन्स डिफरेंट फॉर ईच सब यूनिट। दिस सजेस्ट दैट डिफरेंट एक्टिवेटर प्रोटीन्स इंटरैक्ट विथ डिफरेंट मीडिएटर सब यूनिट्स टू ब्रिंग आरएनए पॉलीमरेज टू डिफरेंट जीन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दू, मीडिएटर सब यूनिट नंबर 4 जो यहाँ पे दिखाया है उसको अगर मैं डिलीट कर दू, तो भाई फिर इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था सब यूनिट नंबर 4 और हाइड जीन के एक्टिवेटर के बीच में, या फिर जो मीडिएटर सब यूनिट नंबर 4 था वो इंटरेक्शन करवा रहा था बिटवीन योर एक्टिवेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, तो वो नहीं होगा। ये अगर नहीं हुआ तो हाइड जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये देखने को मिला है अलग अलग सब यूनिट जो है मीडिएटर के, वो अलग अलग एक्टिवेटर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये मीडिएटर सब यूनिट एक्टिवेटर और आरएनए पॉलीमरेज 2 के बीच में कम्युनिकेशन लाता है। तो कोई एक सब यूनिट अगर मैं डिलीट कर दूं मीडिएटर का, तो उसके रेलेवेंट या उसके रेस्पेक्टिव जो एक्टिवेटर था कोई जीन का, वो अभी आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और उसका एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मीडिएटर सब यूनिट नंबर 4 को डिलीट कर दू, तो हाइड जीन का जो एक्टिवेटर प्रोटीन था वो अब आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से आपका हाइड जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, वही इसके अंदर लिखा है कि एक सब यूनिट को अगर मैं डिलीट कर दू तो कोई जीन का एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, देयर विल बी लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स, क्योंकि देखने को मिलता है अलग अलग जीन्स के अलग अलग एक्टिवेटर हो गए और अलग अलग एक्टिवेटर अलग अलग मीडिएटर के सब यूनिट्स पे इंटरेक्ट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर सब यूनिट अगर आप डिलीट करते हो तो वो पर्टिकुलर जीन का जो एक्टिवेटर होगा वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा विथ योर आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, ये पॉइंट में दिखाया हुआ है, अगर ये समझा तो ठीक है, वरना ये वाला पॉइंट आप रट के जा सकते हो। ठीक है, फिर क्या है अभी, तो ये जो CTD 7 अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस था ये 27 टाइम रिपीट होगा किसके अंदर, यीस्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 के अंदर। 32 टाइम्स रिपीट होगा किसके अंदर, सी एलिगेंस विच इज नेमेटोड वर्म, तो सी एलिगेंस के अंदर 32 टाइम्स ये रिपीट होगा, और ह्यूमंस के अंदर 52 टाइम्स रिपीट होगा। ऐसा का ऐसा सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस ऐसा है तो ये 27 टाइम रिपीट है यीस्ट आरएनए पॉलीमरेज 2 के अंदर, ऐसे 32 टाइम्स प्रेजेंट होगा सी एलिगेंस के अंदर, ऐसे 52 टाइम्स प्रेजेंट होगा ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको कि आरएनए पॉलीमरेज 2 अगर यहाँ पे है तो ये एन टर्मिनल होगा, ये सी टर्मिनल होगा, और ये सी टी डी टेल भी किसका है, लार्ज सब यूनिट वाले का, स्मॉल सब यूनिट नहीं, लार्ज सब यूनिट, दैट इज RPB1 सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो यहां पे इलोंगेशन स्टेप के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एकदम समराइज फॉर्म में, मतलब आप इतना ही पढ़ते थे CSI नेट के लिए, लेकिन अगले स्लाइड में हम इसको बहुत ही इनडेप्थ देखेंगे। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि भाई काइनेस PTEF भी आता है, वो ये सीरी नंबर 2 पे फॉस्फोराइलेट करेगा ऑफ CTD टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। फिर इसके बाद में TATSF1 दैट इज इलोंगेशन एज वेल एज स्प्लाइसिंग फैक्टर, इसका रिक्रूटमेंट होता है, काइनेस PTEF भी इसको भी फॉस्फोराइलेट करता है और TATSF1 का एक्टिवेशन भी होगा। फिर इसके बाद में आपका रिक्रूटमेंट चलेगा किसका, HSP-T5 का, जो कि अगेन आपका स्प्लाइसिंग फैक्टर भी है और इलोंगेशन फैक्टर भी है, तो HSP-T5 का रिक्रूटमेंट भी चलेगा और उसका फॉस्फोराइलेशन भी किया जाएगा बाय काइनेस PTEFB। इतना आप पढ़ते थे सिर्फ इलोंगेशन के अंदर, और बहुत सारे बुक्स में भी इतना ही दे रखा है, लेकिन हो सकता है कि यहां से थोड़ा इनडेप्थ क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनाई हुई है, तो वो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तीन पॉइंट्स थोड़ा देख लेते हैं।
TATSF1 का फुल फॉर्म है TATSF1 एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। HSPT5 का फुल फॉर्म है हीट शॉक प्रोटीन 70 सप्रेसर ऑफ T/5। ये दोनों जो है TATSF1 एंड HSPT5 ये इलोंगेशन फैक्टर्स भी है और ये स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी है, तो स्प्लाइसिंग के अंदर भी इनका रोल है। एक और चीज है फॉस्फोरिलेशन ऑफ सीरीन नंबर 2। अगर ये CTD टेल है और ये CTD टेल पे सीरीन नंबर 2 या फिर दूसरे नंबर का जो सीरीन है उस पे अगर मैं फॉस्फोरिलेशन करूं तो ये CTD टेल के साथ कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। टेल के साथ एसोसिएटेड होगी स्प्लाइसिंग फैक्टर। अगर ये दूसरे नंबर के सीरीन का अगर मैं फॉस्फोराइलेशन कर दूं तो ये CTD टेल पे जुड़े हुए जो स्प्लाइसिंग फैक्टर्स है वो रिक्रूट किए जाएंगे जहां पे स्प्लाइसिंग होना है, ठीक है। ऐसे ही ये जो CTD टेल है इसके पास कैपिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होती है, कैपिंग एंजाइम जो कि 5' कैप बनाता है और ये होता है डाइमर वाले फॉर्म में, ठीक है। तो जहां पे 5' कैप बनाना है अगेन आपका जब सीरीन नंबर 5 तो ये 5th पोजीशन वाला जो सीरीन है ये अगर फॉस्फोराइलेट किया तो ये सी टर्मिनल टेल डोमेन पे जो आपका डाइमरिक कैपिंग एंजाइम है वो एंजाइम वहां से निकल जाएगा और जहां पे 5' कैपिंग की रिक्वायरमेंट है वहां पे ये चले जाएगा। ऐसे ही इसके साथ आपके कुछ अलग एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि पॉली एडिनिलेशन एंड क्लीवेज फैक्टर्स। ये हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में देखेंगे पॉली एडिनिलेशन एंड क्लीवेज फैक्टर्स। पॉली एडिनिलेशन का जो फैक्टर है इट इज CPSF और क्लीवेज फैक्टर्स जो है दैट इज CSTF, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी किसके साथ जुड़े हुए होते हैं विथ योर CTD टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2, ओके। फिर क्या दिया है डाइमेरिक कैपिंग एंजाइम स्प्लाइसिंग फैक्टर्स पॉलीएडिनिलेशन एंड क्लीवेज फैक्टर्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद सी टर्मिनल टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 और रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तब ये एंजाइम्स या फैक्टर जो है ये CTD टेल से हट जाते हैं और रिक्रूट किए जाते हैं जहां पे प्रोसेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीरीन नंबर 2 का फॉस्फोराइलेशन अगर हो गया तो फिर आपका स्प्लाइसिंग फैक्टर CTD टेल से निकल जाएगा और जहां पे स्प्लाइसिंग हो रहा है ये वहां पे चले जाएगा। वैसे ही अगर सीरीन नंबर 5 का फॉस्फोरिलेशन होता है तो आपका डायमेरिक कैपिंग एंजाइम CTD टेल छोड़ देगा और जहां पे 5' कैपिंग होने वाला है वहां पे ये एंजाइम चले जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई, बहुत ही इजी। अभी देखना मजा, अभी ये इलोंगेशन स्टेप जो है आपको इतना पढ़ना है और आपने अभी तक ये कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। कब पहले हम डायग्राम समझेंगे उसके बाद में ये आपको देखना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं, एकदम स्टोरी की तरह समझना है, ओके। बहुत ही इजी है ये, 3-4 स्लाइड में ये खत्म है आपका इलोंगेशन स्टेप इन डिटेल। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी काइनेस PTEFB जो होता है उसके अंदर CDK9 और साइक्लिन टी होते हैं, ठीक है। काइनेस PTEFB को 7SKsNRNA और हेक्सिम प्रोटीन्स ये दोनों मिलके बिचारे को पकड़ के रखते हैं। जब ये इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स दैट इज 7SKsNRNA एंड हेक्सिम प्रोटीन्स ये इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स जब काइनेस PTEFB को पकड़ के रखेगा तो काइनेस PTEFB रह जाएगा इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। फिर कोई और काइनेस होता है जो कि फॉस्फोराइलेट करता है CTD टेल एट सीरीन नंबर 5 ऑफ लार्ज सबयूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। ये कब हो रहा है प्रोसेस, प्रोमोटर क्लियरेंस के वक्त, ठीक है।
जो हमने लास्ट स्टेप पढ़ी हुई थी इनिशिएशन स्टेप की इन यूकेरियोट्स, दैट इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी टी डी टेल एट सीरिन नंबर 5 बाय काइनेज, और वो होने के बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को छोड़ देता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को शेड कर देता है और इलोंगेशन के वक्त तरफ बढ़ता है। तो वो जो काइनेज था वो ये काइनेज था, कोई और काइनेज था, अनदर काइनेज, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेशन उसने कर दिया भाई, आरएनए पॉलीमरेज भी प्रोमोटर छोड़ के आगे बढ़ गया टुवर्ड्स इलोंगेशन स्टेप। जब ये होगा तब काइनेज पीटीएफ भी छूट जाएगा फ्रॉम इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स। तो इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स से काइनेज पीटीएफ भी छूट गया, तो उसके लिए अच्छी बात है काइनेज पीटीएफ भी के लिए, क्योंकि वो अभी एक्टिव फॉर्म में आ गया। और आपका जो इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स था वो अलग हो गया, उसने छोड़ दिया काइनेज पीटीएफ भी, ठीक है, ओके। अभी देखो क्या होगा, अभी आपका काइनेज पीटीएफ भी क्या है, एक्टिव स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? एक्टिव स्टेट। तो काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना। तो काइनेज पीटीएफ भी क्या करेगा, अभी सीरी नंबर 2 को फॉस्फोराइलेट करेगा। क्या करेगा? सीरी नंबर 2 को फॉस्फोराइलेट करेगा। तो यहां पे मैंने आपको काउंट करके दिखाया था, ये अमीनो एसिड नंबर 1 रेसिड्यू है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये सेवेंथ है। तो 2 नंबर पे कौन है भाई? सेरीन है। तो सेरीन पे इसने क्या कर दिया? फॉस्फोराइलेट कर दिया, ओके। जिसके वजह से आपका स्प्लाइसिंग फैक्टर TATSF1 को रिक्रूट किया जाएगा। TATSF1 आपका इलोंगेशन फैक्टर भी है और स्प्लाइसिंग फैक्टर भी है। और अगर ये स्प्लाइसिंग फैक्टर है तो हमने यहां पे लिखा हुआ था कि जब फॉस्फोराइलेशन सीरी नंबर 2 का होगा तो रिक्रूटमेंट किसका होगा? स्प्लाइसिंग फैक्टर का। तो किसका होना चाहिए? TATSF1 का भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी स्प्लाइसिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसको बुलाया गया अपॉन फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीरीन नंबर 2, इसको बुलाया गया। लेकिन अभी TATSF1 इनएक्टिव स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? इनएक्टिव स्टेट में। तो इसको फॉस्फोराइलेट किया जाएगा बाय काइनेज पीटीएफ भी, इसको भी काइनेज पीटीएफ भी फॉस्फोराइलेट करेगा। और अभी आपका TATSF1 हो जाएगा एक्टिव स्टेट में, और जहां पे स्प्लाइसिंग करवानी है ये वहां पे रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, रिक्रूट कर दिया इसको। अभी अगले स्टेप्स बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। ये भी अगेन आपको पूरे इंटरनेट पे और कोई भी बुक पकड़ के रख लो आप, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है सिर्फ आपके लिए। तो सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए होगा मुझे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सपोर्ट एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने ये बहुत बार बोला है बच्चों को, लेकिन वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसी तरीके से, अपन एक एक कंसेप्ट बहुत ही इजी वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा और यही से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये अभी तक किसी ने भी कवर नहीं किया है पूरे एंटायर यूट्यूब पे, ना ही ये कोई बुक्स में इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी TATSF1 का तो हो गया रिक्रूटमेंट। इसके बाद में एक और चीज हम पढ़ते हैं, DSIF कॉम्प्लेक्स। इसका फुल फॉर्म है DRB सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स विच हैज SPT4 एंड SPT5। ये दो प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। DSIF जो है ये इंटरैक्ट करता है विथ RNA पॉलीमरेज 2। DSIF ड्यूअल रोल दिखाता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के अंदर। ये निगेटिव रोल भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को पॉज भी कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन को चला भी सकता है। तो ये ड्यूअल रोल है इसके पास। इट कैन एक्ट एज नेगेटिव रेगुलेटर ऑल्सो एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेटर ऑल्सो। तो ये भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। DSIF इंटरैक्ट विथ RNA पॉलीमरेज 2 और ये रोक देगा RNA पॉलीमरेज 2 को ड्यूरिंग
अर्ली इलोंगेशन स्टेप्स सो दैट प्रॉपर आरएनए प्रोसेसिंग कैन अकर। हमने ये पढ़ा हुआ था भाई कैपिंग कब होता है, कैपिंग तब होता है जब आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन और इलोंगेशन के बीच में चल रहा हो, तब आपका कैपिंग स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई इलोंगेशन तक रुको फिर उसके बाद में हम कैपिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। इनिशिएशन और इलोंगेशन के बीच में जो फेज होगा वहां पे आपका कैपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये यूजुअली तब होता है जब आपका एमआरएनए 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। तब ये 5 प्राइम कैपिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फाइव प्राइम कैपिंग कब होगा? इनिशिएशन और इलोंगेशन के बीच में, जब आपका एमआरएनए लगभग 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड लंबा होगा। तो फिर अगर हमको ये पता है भाई इनिशिएशन और इलोंगेशन के बीच में आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट दैट इज कैपिंग भी चल रहा है, और हमको ये भी कंफर्म करवाना है कि ये कैपिंग जो है, या फिर ये भी इंश्योर करना है कि ये कैपिंग ठीक तरीके से चलना चाहिए, तो उसको भी चेक करना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए DSIF क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ और उसको पॉज कर देगा कि भाई रुक जाओ थोड़ा सा, हम चेक कर लेते हैं कैपिंग ढंग से हो रही है या उसमें गलतियां हो रही है। इसीलिए DSIF आरएनए पॉलीमरेज को पॉज कर देगा, उसको वो आगे बढ़ने नहीं देगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो थोड़ी देर के लिए उसको पॉज करके रखेगा। इसका मतलब वो नेगेटिव रोल परफॉर्म कर रहा है आपका DSIF, इट इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि वो रोक दे रहा है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। क्यों रोक रहा है? ताकि हम कंफर्म कर सके, इंश्योर कर सके कि आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट जो आपके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 प्राइम कैपिंग, वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर वो ठीक तरीके से हुए तो नो प्रॉब्लम, फिर इसको जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 को आप आगे जाने दो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। लेकिन हमको चेक करना है, इसीलिए इसको रोका जा रहा है, टू चेक इफ प्रॉपर आरएनए प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी देयर और नॉट, ठीक है। फिर देखो अभी क्या होगा, अभी देखना। काइनेस पीटीएफ भी तो खुलेआम घूम रहा था, क्योंकि वो तो एक्टिव है, वो खुश है, उसने ऑलरेडी TATSF1 को भी फॉस्फोरिलेट कर दिया था। अभी बारी किसकी है फॉस्फोरिलेशन की, कि काइनेस पीटीएफ भी इंटरैक्ट्स विद DSIF कॉम्प्लेक्स। भाई ये लो, काइनेस पीटीएफ भी जुड़ गया DSIF के साथ, काइनेस पीटीएफ भी ऑल्सो फॉस्फोरिलेट सीरीन नंबर 5, क्योंकि अभी चेक करना है ना अपन को कि 5 प्राइम कैपिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। और कैपिंग फैक्टर का रिक्रूटमेंट तो तब होगा जब जब सीरीन नंबर 5 का फॉस्फोरिलेशन होगा, तब आपका कैपिंग एंजाइम का रिक्रूटमेंट होगा। तो इसने क्या किया, हमको चेक करना था कि आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट ढंग से हो रहा है या नहीं, तो काइनेस पीटीएफबी ने रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड दैट इज सीरीन नंबर 5 उसको फॉस्फोरिलेट कर दिया, और अभी आपका रिक्रूटमेंट होगा डायमेरिक कैपिंग एंजाइम का फ्रॉम CTD टेल टू वेर एवर यूर 5 प्राइम कैपिंग इज गोइंग टू अकर, ठीक है। तो भाई ये लो, उसने फॉस्फोरिलेशन कर दिया। काइनेस पीटीएफ भी ऑल्सो फॉस्फोरिलेट HSP-T5, तो ये जो SP-T5 था इसके साथ HSP-70 बाइंड करता है, और ये दोनों बाइंड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको मैं बोलता हूं HSP-T5। तो ये HSP-T5 को भी फॉस्फोरिलेट करेगा कौन, काइनेस पीटीएफबी। ये दोनों स्टेप्स जब होगे, ये दोनों स्टेप्स दैट इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ सीरीन नंबर 5 आल्सो एट CTD टेल एज वेल एज बाइंडिंग ऑफ HSP-70 टू SP-T5 टू फॉर्म HSP-T5 एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ HSP-T5 बाय काइनेस पीटीएफबी, ये दो स्टेप जब होगे तब आरएनए पॉलीमरेज जिसको पॉज करके रखा था, जिसको रोक दिया गया था बाय DSIF कॉम्प्लेक्स, अभी ये उसको जाने देगा आगे। वो बोलेगा चलो आगे जाओ, और इनिशिएशन और इलोंगेशन के बीच में
जो ये अटका हुआ था ये जाने देगा इनिशिएशन से इलोंगेशन की तरफ। ये स्टेप एंश्योर करता है आरएनए पॉलीमरेज टू एफिशिएंटली सिंथेसाइज करे आरएनए को विदाउट प्रीमैच्योर टर्मिनेशन एंड एनी प्रोसेसिंग एरर्स लाइक 5' कैपिंग, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज टू को रोका इसलिए जा रहा था क्योंकि कुछ आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स है, जैसे कि आपका 5' कैपिंग हो गया जो कि चलता है बिटवीन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन बीच में। तो फिर हमको ये भी चेक करना रहता है कि 5' कैपिंग ठीक से चल रही है या नहीं। तो इसी वजह से आरएनए पॉलीमरेज 2 को रोक दिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि 5' कैपिंग ठीक से चल रही है या नहीं। फिर सीरीज नंबर 5 को फॉस्फोरिलेट किया जाता है, डाइमेरिक कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट किया जाता है, फिर आपकी कैपिंग ठीक से चलती है, चलने लग जाती है। फिर आपका काइनेस पीटीएफ भी HSPT5 को फॉस्फोरिलेट करता है, उसके बाद में हमको ये पता चल जाता है कि भाई डाइमेरिक कैपिंग एंजाइम भी आ गया। ठीक है, सीरीज नंबर 5 भी फॉस्फोरिलेट हो गया और HSPT5 जो है ये भी फॉस्फोरिलेट हो गया जो कि रिक्वायर्ड है फॉर स्प्लाइसिंग ऑल्सो, विच इज अनदर आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट। इसका मतलब भाई हमने अभी तक सीरीज नंबर 5 को फॉस्फोरिलेट किया तो रिक्रूटमेंट हुआ डाइमेरिक कैपिंग एंजाइम का जहां पे कैपिंग होना है, ओके आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट चेक्ड। दूसरा सीरीज नंबर 2 का भी फॉस्फोरिलेशन हुआ था जिसके वजह से TATSF1 को फॉस्फोरिलेट किया गया था बाय काइनेस पीटीएफ भी। TATSF1 को फॉस्फोरिलेट करने के बाद वो एक्टिव हो चुका था। TATSF1 इज रिक्वायर्ड इन स्प्लाइसिंग विच इज अनदर आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट, तो स्प्लाइसिंग के लिए TATSF1 और HSPT5 इसको भी फॉस्फोरिलेट कर दिया तो स्प्लाइसिंग भी चेक्ड। तो हमको ये पता चल गया कि आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स के लिए लगने वाले एंजाइम जो है हमने ठीक तरीके से उसको रिक्रूट कर दिया है सिस्टमेटिकली। अभी ये टेंशन फ्री हो गया DSI कि भाई कैपिंग के लिए लगने वाले एंजाइम्स सारे रिक्रूट हो चुके हैं और स्प्लाइसिंग के लिए लगने वाले जो फैक्टर्स थे जैसे कि TATSF1 और HSPT5 ये भी ठीक तरीके से एक्टिवेटेड है, फॉस्फोरिलेटेड है और रिक्रूट किए गए हैं जहां पे स्प्लाइसिंग होना है। तो ये चेक करना था कि आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट के लिए लगने वाली चीजें सही ढंग से एक्टिवेटेड है, उनको रिक्रूट किया गया है या नहीं। एक बार ये चेक हो जाए, ये इंश्योर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर DSIF जो है ये पॉजिटिव रोल भी परफॉर्म करता है। नाउ योर DSIF कैन एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इट विल रिज्यूम द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच वाज पॉज्ड एंड कॉजेस ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशिएशन टू इलोंगेशन, और फिर आपका इलोंगेशन तो सेम ही होगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, कि आपका 3' to 5' टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है और ट्रांसक्रिप्शन आपका 5' to 3' डायरेक्शन में होगा बाय द एडिशन ऑफ इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' OH ऑफ प्रीवियस राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में जो हमने डायग्राम में पढ़ा हुआ था वही टाइप से यहाँ पे भी इलोंगेशन चलेगा। ठीक है, सिर्फ जो फैक्टर्स चाहिए थे और जो मेन चीजें थी वो हमने इसके अंदर डिस्कस की। तो अभी अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा कि एक इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर 7S के SNRNA और हेक्सिम प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके बेचारे काइनेस पीटीएफ भी को पकड़ के रखते हैं जिसकी वजह से काइनेस पीटीएफ भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, काइनेस पीटीएफ भी के अंदर CDK9 और साइक्लिन टी होता है, फिर कोई और काइनेस रहता है जो प्रोमोटर क्लियरेंस के वक्त CTD टेल को फॉस्फोरिलेट करता है एट सीरीज नंबर 5, फिर काइनेस पीटीएफ भी जो है आपके इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है जिसकी वजह से अभी आपका काइनेस पीटीएफ भी एक्टिव हो जाएगा। अभी काइनेस पीटीएफ भी एक्टिव है तो ये शांत तो नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये फॉस्फोरिलेट करेगा, किसको फॉस्फोरिलेट करेगा, ये तो ये किसको फॉस्फोरिलेट करेगा, सीरीज नंबर 2 को, जिसकी वजह से अभी
रिक्रूटमेंट चलेगा किसका, इलोंगेशन एंड स्प्लाइसिंग फैक्टर नेमली TATSF1, और इसका भी वो फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ TATSF1 होने के बाद ये एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद में DSIF होता है जिसका फुल फॉर्म है DRE, सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग फैक्टर। ये कॉम्प्लेक्स SPT4 और SPT5 से बना हुआ होता है। DSIF कॉम्प्लेक्स को हम SPT4 SPT5 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या फिर सिर्फ DSIF कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। ये ड्यूअल रोल शो करता है इन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन स्टेप। ये नेगेटिव रोल भी कर सकता है बाय पॉजिंग योर RNA पॉलीमरेज टू एंजाइम। ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है बाय रिज्यूमिंग योर पॉज्ड RNA पॉलीमरेज टू एंजाइम। DSIF इंटरेक्ट विद RNA पॉलीमरेज टू एंड इट विल पॉज RNA पॉलीमरेज टू, उसको वो रोक देगा ड्यूरिंग अर्ली इलोंगेशन स्टेप्स, क्योंकि हमको अभी चेक करना है कि RNA प्रोसेसिंग इवेंट जो कि बीच में चल रहे हैं बिटवीन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन वो सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं, इसको चेक करना है हमको। ठीक है, फिर काइनेस पीटीएफ भी इंटरेक्ट करेगा DSIF के साथ। काइनेस पीटीएफ भी सीरीन नंबर 5 को फॉस्फोरिलेट करेगा ऑफ CTDT, जिसकी वजह से अभी डायमेरिक कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट किया जाएगा जहां पे भी कैपिंग हो रहा है। काइनेस पीटीएफ भी ऑल्सो फॉस्फोरिलेट HSP-T5। HSP-T5 कैसे बनेगा, HSP हीट शॉक प्रोटीन 70 जो है SPT5 के साथ जब बाइंड करता है तो HSP-T5 बनता है, और अभी ये कॉम्प्लेक्स को हम HSP-T5 बोलते हैं और इसको भी फॉस्फोराइलेट किया जाता है बाय काइनेस PTEFB। और ये दोनों स्टेप्स चाहिए होते हैं तब हम RNA पॉलीमरेज 2 जो रुका हुआ है उसको हम अगेन स्टार्ट कर देंगे टू कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि आपका RNA पॉलीमरेज 2 ठीक तरीके से RNA को ट्रांसक्राइब करे, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ना हो और कोई प्रोसेसिंग एरर ना हो ड्यूरिंग कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडेनिलेशन। ठीक है, इतना आपको पढ़ना होता है इलोंगेशन के अंदर। तो ये बहुत टाइम लगा ये कंटेंट बनाने के लिए, तो अराउंड 8 आवर्स मुझे लग गए। ठीक है, इंक्लूडिंग डायग्राम। कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ TF2H हो गया। फंक्शन ऑफ TF2H है, इसके अंदर पहले तो हेलिकेस एक्टिविटी होती है। हेलिकेस एक्टिविटी आप सभी को पता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच या फिर दो जो दो बेसिस होते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये तोड़ता है। ठीक है, तो हेलिकेस एक्टिविटी होती है विच रिजल्ट्स इन अनवाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर DNA। अनवाइंडिंग करने के लिए अनवाइंडिंग रिक्वायर ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन की वजह से आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA ओपन हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। TF2H को ATP की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, TF2H को ATP की जरूरत पड़ेगी। दिया है इट्स ATPase सबयूनिट इज आल्सो इन्वॉल्व इन DNA मिसमैच रिपेयर, तो ये एक टाइप है DNA रिपेयर का, उसके अंदर भी इसका रोल है मेनली इट्स ATPase सबयूनिट। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। फंक्शन ऑफ TF2S, तो TF2S ये भी एक आपका जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। ये क्या करेगा, स्टिम्युलेट्स इनहेरेंट RNA's एक्टिविटी इन RNA पॉलीमरेज टू रिमूव इनकरेक्टली एडेड बेसिस। तो अगर कोई RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर रहा है और गलती से मान के चलो एडिनिन टेम्पलेट में था और उसके जगह पे उसके कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए था यूरासिल, लेकिन RNA पॉलीमरेज ने गलती से ग्वानिन ऐड कर दिया, तो अभी ये गलती तो नहीं चलेगी, गलती को ठीक करना पड़ेगा। तो TF2S क्या करता है, RNA पॉलीमरेज के अंदर ही कुछ ऐसी एक पावर होती है कि RNA एक्टिविटी से वो इनकरेक्टली एडेड न्यूक्लियोटाइड को निकाल दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 3' टू 5' मेरा टेम्पलेट DNA है,
टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, और 5' to 3' मेरा ये आरएनए बन रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे साइटोसिन है, ग्वानिन है और ये साइटोसिन है, तो आरएनए में क्या बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन, और यहाँ पे मान के चलो साइटोसिन के जगह पे एडिनिन डाल दिया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ने गलती की, उसने गलती से एडिनिन डाल दिया, अभी इसको निकालना चाहिए, इसको निकालना चाहिए, तो अभी TF2S क्या करेगा, TF2S इस तरीके का कोई आरएनए पॉलीमरेज होगा, पेटेट्स सी टर्मिनल टील, तो ये आरएनए पॉल सेकेंड, इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज टू के अंदर ऑलरेडी एक एक्टिविटी रहती है, डेट इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होता, तो TF2S क्या करेगा, इसके आरएनए पॉलीमरेज टू के अंदर जो ऑलरेडी गलती ठीक करने वाली एबिलिटी है उसको क्या कर देगा, ये स्टिम्युलेट कर देगा, स्टिम्युलेट इनहेरेंट आरएनए एक्टिविटी इन आरएनए पॉलीमरेज टू, तो ऑलरेडी तो प्रेजेंट था आरएनए पॉलीमरेज टू के पास ऐसा एक्टिविटी कि जो वो खुद से भी कर सकता था, जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड किया था उसको मैं निकल सकता था, लेकिन ये क्या करेगा, ये उसको और ज्यादा स्टिम्युलेट कर देगा, मतलब और तेजी से गलतियां ठीक होगी, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज अभी उसको पता चल जाएगा, अभी अगर ये आरएनए से, आरएनए मतलब आरएनए को डिग्रेड कर देगा ये, तो जो गलत न्यूक्लियोटाइड था ये इसको डिग्रेड कर देगा और उसके जगह पे सही न्यूक्लियोटाइड डालेगा, दैट इज ग्वानिन, ठीक है, इस तरीके से ये ठीक करेगा। दिस एक्टिविटी इज नोन एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। फिर क्या पॉइंट था याद रखने वाला, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो हम TF2D में पढ़ते हैं, इट यूजेस बीटा शीट टू रिकॉग्नाइज माइनर ग्रुप ऑफ टाटा एलिमेंट, तो ये भी अगेन याद रखने वाला पॉइंट है। टीबीपी बेंड्स डीएनए बाय 80 degrees एंड टू पेयर्स ऑफ फिनाइल एलेनिन एट आइदर एंड ऑफ टाटा रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑल्सो बेंड्स डीएनए। तो हमने जो बात की थी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एक तो टाटा डीएनए सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा और टाटा डीएनए सीक्वेंस को ये डिस्टॉर्ट भी करेगा, ठीक है, उसको तोड़ेगा भी। ये क्यों पॉसिबल है, ये पहली बात, ये इसको बेंड कर देगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए को 80 degrees से। इसके साथ साथ देखने को मिला है कि अगर ये टाटा एलिमेंट है जो कि अराउंड -30 पोजीशन पे होता है, और देखने को मिला है इसके आसपास दो पेयर्स, तो अगर दो पेयर मतलब टोटल चार निकालना पड़ेगा मेरे को, इस तरीके का दो पेयर हो जाएगा फिनाइल एलेनिन का, टू पेयर्स ऑफ फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये दो पेयर यहाँ पे दिखाए एक साइड पे और दो पेयर यहाँ पे दिखाए एक साइड पे, किसके है ये, फिनाइल एलेनिन। अभी फिनाइल एलेनिन जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड है, बहुत ज्यादा बल्की है, इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा बल्की है, तो ऐसे भी डीएनए बेंड होने वाला है, इसकी वजह से आपका टाटा एलिमेंट जो है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक तरफ आपका फिनाइल एलेनिन भी है आजू और बाजू टाटा डीएनए सीक्वेंस के, और ऊपर से आपका टीबीपी डीएनए को बेंड भी कर रहा है 80 degrees से, तो ऐसे भी आपका टाटा डीएनए एलिमेंट जो था वो डिस्टॉर्ट होने वाला, ठीक है, तो डिस्टॉर्ट होने के लिए ये दो आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। SRB subunit of mediator complex can do transcription of all polymerase 2 genes. तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। Bacterial RNA polymerase core enzyme. तो core enzyme में हम पढ़ते हैं अल्फा के दो subunits होते हैं, एक बीटा का होगा, एक बीटा डैश का होगा और एक ओमेगा का होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर टू yeast polymerase 2 enzyme. ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में देखो हम रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर,
टर्मिनेशन इन यूकेरियोट्स अकर बाय डिफरेंट प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज का आप यूज कर रहे हैं। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 1 के जीन्स के बारे में बात करें तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा ये रो डिपेंडेंट होता है, तो रो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ऐसे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन सेम टू सेम वैसा ही चलेगा जैसा हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में समझा हुआ है, वो भी बहुत डिटेल में, ठीक है। अगर पॉलीमरेज 3 के जीन्स हो गए तो इनका अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करना है तो वो रो इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, दैट इज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन वाले मैनर में, तो वो भी अगेन सेम टू सेम चलेगा जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इंट्रिंसिक टर्मिनेशन वाला देखा था इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 2 जीन जो है इनका जो टर्मिनेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ये सिर्फ रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इनका जो टर्मिनेशन होता है इट इज कपल्ड विद आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स। और इनके बेसिस पे हम दो मॉडल्स पढ़ते हैं इनके टर्मिनेशन पे, एक होता है या फिर एरो जो है यहाँ पे नहीं दिखाते, एरो टर्मिनेशन के नीचे दिखाते, इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के अंदर हम दो मॉडल्स पढ़ते हैं, एक है टॉर्पीडो मॉडल और एक होता है एलोस्टेरिक मॉडल, जो कि हम पढ़ेंगे जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो वाले लेक्चर में आरएनए प्रोसेसिंग के बाद टर्मिनेशन कैसा होता है टॉर्पीडो मॉडल से और अकॉर्डिंग टू एलोस्टेरिक मॉडल कैसे टर्मिनेशन होता है, ये दोनों मॉडल्स हम समझेंगे, लेकिन वो ये वाले लेक्चर में नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं बनेगा क्योंकि ये टर्मिनेशन इटसेल्फ इज कपल्ड विद आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट। तो इसको समझने के लिए हमको आरएनए प्रोसेसिंग समझ में आना चाहिए, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होगा ये भी इसके भी मॉडल समझेगी, ठीक है। तो रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो इसको समझने के लिए आपको मेरा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और ये टॉर्पीडो मॉडल और एलोस्टेरिक मॉडल हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से 13 यूनिट्स कवर किए मैंने अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर, सिर्फ 999 रुपीस के अंदर ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। यही कंटेंट मेरा इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है प्रीवियस ईयर वो 12,000 में सेल कर रहा था, ठीक है। और यही टाइप का कंटेंट मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ इन 35,000 रुपीस। तो ये आपका फैसला होगा, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा ओनली इन 999 रुपीस। तो ये ऑफर जो है ये बहुत ही कम समय के लिए है क्योंकि अभी बहुत कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, इंटरनेट सर्वर चार्जेस, एंड्रॉइड ऐप टेक्निकल टीम चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि गूगल का भी अभी 30% का नया रूल आया है, तो एवरी ट्रांजेक्शन के पीछे वो 30% ले लेता है, ठीक है। फिर भी इससे मुझे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये कोर्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, इसका जो कोर ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि एक से एक कंटेंट जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके के डायग्राम्स के साथ, ठीक है। आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो आप रिव्यूज भी दे सकते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।